हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी चैप्टर का एक्सरसाइज 15.1 से क्वेश्चन नंबर 18 और 19 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, क्लास 10 मैथमेटिक्स का बहुत सारे चैप्टर्स को मैंने कंप्लीट करा दिया है। सारे चैप्टर्स का वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक्स इस वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। आप उन लिंक्स के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 10 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है, देखिए, ए बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क व्हिच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। मतलब किसी एक बॉक्स में टोटल 90 डिस्क है और उन 90 डिस्क में यहां पर नंबरिंग किया गया है 1 से लेके 90 तक। बोल रहा है देखिए, इफ वन डिस्क इज ड्रोन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, तो अगर हम लोग उस बॉक्स में से एक डिस्क उठा के ले आए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स, तो उस डिस्क में एक 2 डिजिट नंबर होने का प्रोबेबिलिटी हमें निकलना है, ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने का प्रोबेबिलिटी निकलना है और ए नंबर डिविजिबल बाय 5 होने का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो फ्रेंड्स, हमारे पास देखिए, मैं यहां पर कुछ डिस्क बना लेता हूं आप लोगों को समझाने के लिए, कुछ डिस्क बना लेता हूं 1 2 3 ऐसे करके। यहां पर टोटल हमारे पास 90 डिस्क है और उन सारे डिस्क में यहां पर इस तरह से नंबरिंग किया गया है। तो हमारे पास यहां पर देखिए, टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितना है, टोटल नंबर ऑफ डिस्क है आपका 90। तो सॉल्यूशन में यहां पर हम लोग लिखेंगे रोमन 1, टोटल नंबर ऑफ डिस्क, टोटल नंबर ऑफ डिस्क, टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितना है 90। टोटल नंबर ऑफ डिस्क है हमारे पास 90। रोमन 1 में बोल रहा है देखिए, उस डिस्क में एक 2 डिजिट नंबर होने का प्रोबेबिलिटी हमें निकलना है। अब देखिए, 1 से लेकर 90 तक यहां पर हमारे पास टोटल 90 नंबर है और यहां पर देखिए 1 से लेकर 9 तक ये सारे नंबर्स, ये जो 9 नंबर्स है, ये सारे नंबर्स आपका 1 डिजिट वाले नंबर है, 1 डिजिट वाले नंबर है। और 10 से लेकर 90 तक यहां पर जितना भी नंबर्स है, ये सारे नंबर्स आपका 2 डिजिट वाले नंबर है। तो हम लोगों को 2 डिजिट वाले नंबर होने का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो यहां पर देखिए, हमारे पास टोटल नंबर्स कितना है, टोटल नंबर्स है 90 और 9 ऐसा नंबर है जो कि 1 डिजिट वाले नंबर है। तो 90 में से अगर हम लोग 9 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 81। दैट मीन्स 81 डिस्क ऐसे है जिन डिस्क में 2 डिजिट वाले नंबर लिखा गया है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट, टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स बिटवीन 1 टू 90 इक्वल टू, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स बिटवीन बिटवीन 1 एंड 90 इज इक्वल टू, तो कितना मिला है यहां पर हम लोग डिटेल्स लिखेंगे। तो 90 से 9 माइनस करेंगे, 90 से टोटल नंबर है हमारे पास 90 और 9 ऐसा नंबर है जिन नंबर यहां पर 1 डिजिट का है। तो 90 माइनस 9 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 81। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 2 डिजिट नंबर, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू, देखिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना था 90, तो 90 हम लोग नीचे लिखेंगे और ऊपर में हमारे पास कितना है नंबर ऑफ अवेलेबल आउटकम्स 81, तो ऊपर में हम लोगों ने लिख लिया 81। अभी यहां पर आप 9 से काटेंगे तो 9 9 जर 81, 9 10 जर 90, तो फाइनली इसका आंसर आ गया आपका 9/10 और मेरे ख्याल से रोमन 1 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए, यहां पर आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 10 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए रोमन 2 का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। रोमन 2 में बोल रहे थे कि वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने का प्रोबेबिलिटी हमें निकलना है।
अब देखिए हमारे पास टोटल नंबर्स कहाँ से शुरू हो रहे हैं, नंबर शुरू हो रहा है आपका 1 से लेके 90 तक। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर उस नंबर को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं जो नंबर किसी एक नंबर का स्क्वायर करके मिलता है। मान लीजिए 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है, देखिए 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों? क्योंकि 1 1 का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो 1 मिलता है, दैट मींस 1 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसी तरह यहां पर 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर करके हम लोगों को 4 मिलता है, दैट मींस 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब देखिए 3 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि 3 किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करके हमें 3 नहीं मिलेगा, दैट मींस 3 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इसी तरह अगला नंबर क्या आएगा, 9, क्योंकि 9 3 का स्क्वायर है। उसके बाद देखिए 1 से लेकर 90 तक जितना भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है हमें यहां पर लिखना है। उसके बाद क्या आएगा, 16, क्योंकि 16 4 का स्क्वायर है। देन 5 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 25, 6 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 36, 7 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 49, 8 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 64, 9 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 81, और उसके बाद देखिए 10 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 100 ये आउट ऑफ दिस रेंज हो जाएगा। तो हमारे पास देखिए टोटल परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 1 एंड 90 कितना है, देखिए हमारे पास टोटल 9 नंबर्स ही ऐसा है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो यहां पर हम लोग डिटेल्स लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे जो जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उन सारे नंबर्स को हम लोग यहां पर लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे परफेक्ट स्क्वायर्स बिटवीन 1 एंड 90 आर। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे परफेक्ट स्क्वायर्स बिटवीन 1 एंड 90 आर, परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 1 एंड 90 आर क्या क्या मिला है, 1 4 9 16 25 36 49 64 81। तो ये सारे नंबर्स से आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 1 एंड 90। उसके बाद अभी हम लोग लिखेंगे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स बिटवीन 1 एंड 90 इज, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स बिटवीन 1 एंड 90 इज इक्वल टू, तो टोटल नंबर हमारे पास कितना है, टोटल नंबर है हमारे पास 9। अभी हम लोग लिखेंगे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर इक्वल टू, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू। अब नीचे देखिए हमारे पास टोटल नंबर कितना है, टोटल नंबर है हमारे पास 90, और ऊपर में नंबर ऑफ अवेलेबल आउटकम्स कितना मिला है 9, तो ऊपर में हम लोग लिख लेंगे 9। अभी आप 9 से कैंसिल करेंगे, 9 वन जर 9, 9 10 जर 90, तो फाइनली इसका आंसर आ गया आपका 1/10, और मेरे ख्याल से इसका सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 का रोमन 3 को सॉल्व करते हैं, यहां पर आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए यहां पर रोमन 3 को सॉल्व करते हैं। रोमन 3 में बोल रहे थे कि ए नंबर डिविजिबल बाय 5। अब यहां पर देखिए 1 से लेकर 90 तक जो जो नंबर्स डिविजिबल बाय 5 होते हैं उनको हम लोग यहां पर लिखेंगे। सो नंबर्स दैट आर बिटवीन 1 एंड 90 एंड डिविजिबल बाय 5 आर, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे नंबर्स that are between 1 and 90 and are divisible by 5r, and are divisible by 5r, तो क्या क्या आएगा नंबर 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, तो ये सारे नंबर से आपका डिविजिबल बाई 5 बिटवीन 1 एंड 90। तो ये हो गया हमारे पास टोटल नंबर्स। अब देखिए यहां पर
तो टोटल नंबर्स कितना है? देखिए टोटल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 90 डिविजिबल बाय 5 कितना है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 तो यहां पर हमारे पास टोटल नंबर्स मिल गया 18। देयरफॉर तो यहां पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर टोटल नंबर्स डिविजिबल बाय 5 इक्वल टू देयरफॉर टोटल नंबर्स डिविजिबल बाय 5 इज इक्वल टू टोटल नंबर्स डिविजिबल बाय 5 इज इक्वल टू कितना मिला है 18। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर डिविजिबल बाय 5 देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर therefore probability of getting a number divisible by 5 is equal to तो नीचे हम लोग लिखेंगे टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास 90 था तो 90 लिख लिया और ऊपर में देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना मिला है 18 तो ऊपर में हम लोग लिख लेंगे 18। अभी यहां पर आप कैंसिल करेंगे 18 वन जार 18 18 5 जार 90 तो यहां पर फाइनली इसका आंसर आ गया 1/5 और मेरे ख्याल से इसका सोल्यूशन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। उससे पहले आप कॉपी में यहां पर वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। बार बार बोल रहा हूं फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 10 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग यहां पर डिटेल्स डिस्कशन करेंगे, हर एक चैप्टर का प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहे देखिए, अ चाइल्ड हैज ए डाई हुज सिक्स फेसेस शोस द लेटर्स एस गिवन बिलो। तो किसी एक चाइल्ड के पास यहां पर सिक्स डाइस है और उन सिक्स डाइस का फेसेस में यहां पर ए बी सी डी ई ए इस तरह से लिखा गया है। अभी यहां पर बोल रहे देखिए, द डाई इज थ्रोन वंस, तो डाई को थ्रो किया गया है, तो वो जो ड्राई थ्रो किया गया है वो ड्राई में ए आने का, वो ड्राई ए आने का चांस हमें निकलना है और वो डाई का अपर फेस में डी आने का चांस हमें निकलना है। तो यहां पर देखिए हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना है, यहां पर देखिए टोटल डाइस कितना है, टोटल डाइस है हमारे पास सिक्स। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल सिक्स फेसेस है ना, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है हमारे पास सिक्स। तो यहां पर सोल्यूशन के स्टार्टिंग में ही हम लोग लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑन द डाइस। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू सिक्स। अभी रोमन वन में बोल रहे हैं देखिए, वो डाइस का अपर फेस में ए आने का चांस हमें निकालना है। अब देखिए ये कितने बार है, यहां पर ए कितने बार है, दो बार ही है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ फेसेस हैविंग ए ऑन इट। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट रोमन वन में टोटल नंबर ऑफ फेसेस हैविंग ए ऑन इट, टोटल नंबर ऑफ फेसेस हैविंग ए ऑन इट इज इक्वल टू कितना है, ऐसा फेस हमारे पास है जिसमें ए लिखा गया है, ऐसा फेस है हमारे पास टू। तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस हैविंग ए ऑन इट इक्वल टू टू, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इज इक्वल टू, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स सिक्स मिला था और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना मिला है टू, तो ऊपर में हम लोग लिख लेंगे टू। अभी यहां पर काटेंगे टू वन जार टू, टू थ्री जार सिक्स, तो यहां पर इसका फाइनल आंसर आ गया आपका 1/3। रोमन टू में बोल रहा है देखिए, वो डाइस का अपर फेस में डी आने का चांस हमें निकालना है। सो टोटल नंबर ऑफ फेसेस हैविंग डी ऑन इट, डी कितने बार है, देखिए सिर्फ एक बार ही है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ फेसेस हैविंग डी ऑन इट इक्वल टू वन। तो रोमन टू में हम लोग लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ फेसेस हैविंग डी ऑन इट कितना बार है, एक ही बार है, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी इज इक्वल टू, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी इज इक्वल टू, तो नीचे हम लोग लिखेंगे टोटल पॉसिबल आउटकम्स सिक्स
और ऊपर में नंबर ऑफ ओवरऑल आउटकम्स कितना मिला है 1, तो इसका फाइनल आंसर आ गया आपका 1/6। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 19 का कंप्लीट सॉल्यूशन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर ले। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।